नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम प्रभु श्री कृष्ण जी की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अपना रूप बदलकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। एक ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण जी के परम मित्र सुदामा जी की है। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के बाल सखा थे। दोनों ने गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण की। सुदामा बेहद ही गरीब ब्राह्मण थे। उन्हें खाने के लिए भिक्षा का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि वह सच्चे ब्राह्मण थे, इसलिए वह केवल 5 घरों से ही दिन भर में भिक्षा मांगा करते थे। जितना भी मिलता उसी में अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। यह भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं था, अर्थात उनका और उनके परिवार का पेट ठीक प्रकार से नहीं भरता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी किया जाता था। सुदामा की पत्नी को यह ज्ञात था कि श्री कृष्ण जी द्वारिका के महाराजा हैं। वह सुदामा के बाल सखा भी हैं। उनके ऐश्वर्य और वैभव की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर सुदामा अपने सखा से सहायता मांगेंगे तो वह ना नहीं कह पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने काफी प्रयासों के बाद सुदामा को द्वारिका जाने के लिए मना लिया। रास्ता बहुत लंबा था और जाने का एकमात्र साधन स्वयं अपने दोनों पैर थे। सुदामा अपने मित्र से मिलने संकोच और लज्जा के साथ द्वारिका की ओर निकल गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में मुरारी से भेंट हुई। उनके पास एक बैलगाड़ी थी जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लादा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को अपने साथ द्वारिका चलने के लिए मना लिया। दोनों बैलगाड़ी पर सवार होकर द्वारिका की ओर चलने लगे। रास्ते भर मित्र की भांति मुरारी जी सुदामा जी के साथ बातें करते रहे और हंसी मजाक होती रही। द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, इस पर भी उनका उपहास करता रहा, किंतु सुदामा उनकी बातों पर भी जरा क्रोध नहीं किया। द्वारिका के निकट पहुंचकर मुरारी ने अपनी बैलगाड़ी प्राचीन मंदिर के पीछे रोक लिया और सुदामा को कहा, श्रीमान जी, अब आपकी और मेरी राह अलग अलग है। अब आप द्वारिका प्रस्थान कीजिए और मैं अपने व्यापार के लिए आगे बढ़ता हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। सुदामा कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें एहसास हुआ कि अभी तक उन्होंने उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं किया। इसके लिए वह जानने के लिए मंदिर के पीछे आए, किंतु वहाँ पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी। सुदामा आश्चर्यचकित और स्तब्ध रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक वह एक क्षण पहले मुरारी के साथ बातचीत कर रहा था और दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गया वह अवश्य उनके मित्र श्री कृष्ण जी की कोई लीला होगी। वास्तव में ऐसा ही था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो मुरारी की घटना पर दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी।